हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों अपना डीबी है 12 मॉड्यूल एंकर का, इसका हम लोग ड्रेसिंग करने वाले हैं। अपना न्यूट्रल है, ये अपना फेस है रेड वाला, ये अपना ब्लू वाला इन्वर्टर है, ये अर्थिंग है, ये अपना मेन वायर है जिसमें हम लोग टेप मारे हैं, ये अपना फेस का वायर है, ये न्यूट्रल है, इसका हम लोग ड्रेसिंग करने वाले दोस्तों। तो कैसे करेंगे दोस्तों, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों इसका ड्रेसिंग कर लेंगे अपना, ये न्यूट्रल अपना अलग करके इसमें टाइम मार लेंगे। पहले हम लोग अपना फेस है इसका भी टाइम मार लेंगे, इसका भी टाइम मार लेंगे दोस्तों, उसके बाद ड्रेसिंग करेंगे बरोबर से। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अपना टाई है, इसका टाई ले लेते हम लोग, 100 mm का अपना टाई है ये, देखो 100 mm का अपना टाई, इसमें हम लोग टाई मारेंगे बरोबर से, ड्रेसिंग हुआ तभी अपना। तो देखो दोस्तों अपना टाई हो गया बरोबर से मार के पूरा, इसमें भी हो गया है। अभी हम लोग इसको काट देते पहले ऐसे, अपना कटिंग हो चुका। अपना ये न्यूट्रल पत्ती है, अपना न्यूट्रल पत्ती है, तो ये अपना ब्लैक वाला वायर है जो दोस्तों, ये ब्लैक वाला वायर ऐसे घुमा के हम लोग इधर से राउंड लेके इधर लाएंगे, अपना न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे ये पूरा वायर अपना। चलो कर देते पहले। हम लोग को राउंड बना के अभी काट लेना है, इतना इतना बड़ा रखना है क्योंकि अपना वायर इधर से नीचे से यू बन के कनेक्ट होगा सब में न्यूट्रल पत्ती में। तो देखो दोस्तों अपना न्यूट्रल लग के कंप्लीट हो चुका है, ये अपना आके इधर से इधर राउंड बना के हम लोग न्यूट्रल लगा दिए। अभी ये अपना ये फेस है, इसको ऐसे घुमा के बरोबर से लेके जाके इधर अपना एमसीबी लगेगा, इसमें लाएंगे ये फेस को। चलो कर देते पहले। तो देखो अपना फेस आके घूम के इधर पहुंच गया, अभी अपनों का एमसीबी लगेगा इधर, चलो एमसीबी डाल देते पहले। तो भी देखो दोस्तों अपना एमसीबी आ गया, अपना देख लो है, ये एमसीबी है, इसमें हम लोग लगाएंगे, फिटिंग करते हैं। चलो कर देते पहले। ये सिंगल सिंगल वायर अपना ऊपर वाले खाने में लगने वाला है, और बाकी अपना आरसीबी है, ये डीपी अपना इसमें मेन आएगा, अपना वायर डीपी में आएगा इधर से आके आरसीबी में, आरसीबी से आउटपुट अपना नीचे से शॉर्ट होगा इसमें, और बाकी अपना सिंगल सिंगल वायर इसमें लगने वाला ऊपर में। चलो कर देते पहले पूरा। तो इसमें हम लोग का ये जो अपना इसमें 4 mm का और 2.5 mm का, तो अपना ये 4 mm का है, तो ये अपना जो 25 ampere का है, 25 ampere का जो अपना एमसीबी है इसमें लगने वाला है, और जो अपना ये 2.5 ampere का है, 2.5 mm का वायर है दोस्तों, इसमें 16 ampere में लगने वाला है, और अपना जो 6 ampere का एमसीबी है जो अपना कम लोड जिधर रहता है हम लोग उसमें डालेंगे, ये अपना 2.5 mm का वायर। चलो कर देते पहले। तो देखो दोस्तों अपना ये वायरिंग अपना कंप्लीट हो चुका है, अपना फेस एमसीबी में लग गया है अपना। देखो ये 6 ampere का एमसीबी है, तो अपना ये 2.5 का जो अपना कम लोड है जिधर इधर लगाए हैं हम लोग इसमें, ऊपर देखा अच्छा इसमें लगाए हैं, उसके बाद ये जो अपना 6 ampere का वायर है इसमें लगाए, ये कम लोड वाला अपना है, ये अपना ज़्यादा लोड वाला है, तो इधर 10 ampere डाल दिए हैं। अपना AC का है 4 mm, इसमें 25-25 का डाले हैं, तो ऐसे ही इसमें हो गया कनेक्शन। अभी हम लोग का बचा है ये मेन कनेक्शन अपना डीपी में, डीपी से आरसीबी में, ये अपना इन्वर्टर का कनेक्शन बचा है इसमें। ये अपना न्यूट्रल फेस है, अपना फेस है, ये न्यूट्रल है, हम लोग का न्यूट्रल और फेस अपना जो रहता है वो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में न्यूट्रल रहता है दोस्तों। चलो कर देते पहले। ये अपना फेस न्यूट्रल लग गया आउटपुट का अपना इनपुट का, तो ये अपना आउटपुट निकालेंगे इधर से लाके अपने आरसीबी में देंगे, आरसीबी से आउटपुट निकाल के जो अपना एक फेस आएगा इसमें शॉर्ट हो जाएगा, अपना न्यूट्रल जो निकलेगा इसमें शॉर्ट होगा अपना न्यूट्रल पत्ती में। तो चलो तो कर देते हैं, तो आउटपुट निकाल देते हैं इसमें से आरसीबी में।
देखो दोस्तों, ये अपना आउटपुट निकला है, ऐसे घुमा के हम लोग इधर से लेकर आके ये अपना आरसीबी में कनेक्ट कर दिया है। अभी हम लोग का आउटपुट निकलेगा, एक न्यूट्रल लगा जाएगा, एक न्यूट्रल उठा के फेस इसमें लेकर आएंगे हम लोग। देखो दोस्तों, अपना न्यूट्रल आ चुका है इसमें से, इसमें इसको हम लोग बीच के एमसीबी में डालेंगे। अभी पहले हम लोग को ये न्यूट्रल पत्ती है, ये देखो अपना न्यूट्रल थर्ड पत्ती है, इसमें हम लोग शॉर्ट कर देंगे ऐसे काट करना आपके। इधर से अपना 8 एमसीबी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 काट लेंगे और काट के नीचे से शॉर्ट कर देंगे। चलो काट देते पहले। इतना कट गया, अभी हम लोग इसमें टेप मार लेते हैं बराबर से। अभी अपना ये फेस का वायर है, इसमें हम लोग बीच में डाल देंगे, लोड अपना डिवाइड होगा दोनों तरफ, लोड बीच में पड़ेगा। पूरा कंप्लीट, अभी आप लोग का ये न्यूट्रल निकाल के इसमें टर्मिनल में दे देते हैं, हो जाएगा अपना डिविड ड्रेसिंग कंप्लीट। न्यूट्रल निकाल कर दे देते हैं, तो देखो दोस्तों अपना डिविड ड्रेसिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही डिविड ड्रेसिंग होता है, हम लोग ऑन करेंगे पावर को तो पूरा पावर अपना ऑन हो जाएगा। एक एक एमसीबी ऑन करेंगे तो एक रूम में जाएगा दोस्तों, और दूसरा एमसीबी ऑन करेंगे तो दूसरे रूम में जाएगा। ऐसा पूरा एमसीबी ऑन करते जाएंगे तो हॉल में, किचन में, बाथरूम अपना ऐसा ऐसा होगा। तो इसमें से एक रूम का एक एमसीबी और दूसरे रूम का दूसरे एमसीबी, और हॉल का अलग है, किचन का अलग है, बाथरूम का ऐसे सबका सेपरेट सेपरेट है एक एक एमसीबी। अपना ये मेन डीपी है, इसको ऑफ कर देंगे तो पूरा पावर कट हो जाएगा। अपना ये आरसीबी है तो इसको ऑफ करके पूरा पावर कट जाएगा। आरसीबी अपना क्या काम करता है, इसमें ट्रिपल लगाए जो ऐसा अर्थिंग रहता है दोस्तों, अर्थिंग कनेक्ट होगा तो अपना किसी को करंट भी मारता है तो अपना आरसीबी ट्रिप कर जाएगा। ऐसे इसके वजह से ये आरसीबी लगता है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, अपना डीवी ड्रेसिंग हो गया कम्प्लीट, हो चुका है पूरा, ये देख लो। ये अभी दोस्तों अपना ये पार्ट वन था, अभी हम लोग पार्ट टू बनाने वाले हैं दोस्तों। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस करके रखो, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा दोस्तों। चलो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं अगले वीडियो में।